మురుగినాల పరిసరంలో డ్రైనేజ్ యొక్క సమస్య ఎంతో పెద్దగా మారింది. డ్రైనేజ్ యొక్క నీరు ప్రతి గల్లీలో చేరుతూ అక్కడి ప్రజల ఆరోగ్యం మోసంలో ఉన్నట్టు కనిపిస్తూ ఉన్నది. అయితే ఆపై ప్రతినిధి మరియు ప్రశాసన వీరిది నిర్లక్ష్యం అవుతున్నట్టు కనిపిస్తూ ఉన్నది. లష్కర్ పరిసరాతీల మురుగినాల యా భాగాతున్ మోఠా నాలా జాతు సధ్యా నాల్యావర్ పులాచ కామ్ జాలా ఆహే. मोठा पाऊस आला की पाणी ओव्हरफ्लो होऊन नागरिकांच्या घरात घुसत असल्याने मोठी तारांबळ होते. आता तर पाऊस दिवसाआड पडतोय, त्यात ड्रेनेजचे पाणी रस्त्यावर आल्यानं दुर्गंधी पसरल्याचं चित्र दिसून येत आहे. अनेक दिवसांपासून ही समस्या असल्यानं नागरिक अक्षरशः वैतागल्याचं चित्र आहे. लहान मुलांच्या आरोग्याला मोठा धोका असून आजपर्यंत एकही नगरसेवकाने यावर कायमचा तोडगा काढला नसल्याचा संताप नागरिकांनी वृत्तवेधच्या कॅमेऱ्यासमोर व्यक्त केला. 10-15 साल 35 साल की नजीक हुआ यहाँ, अभी तक कौन सा मेंबर आया नहीं और कौन सा मेंबर झाके नहीं, और अभी तक कौन भी रोड का ये काम करा नहीं. ये फूल की जो चढ़ार बनने की वजह से जो है ना, ये पूरा पानी पूरा गटर में पूरा तटता, तटने के बाद जो है ना पानी सीधा पास में होता, और कम से कम पूरे मेंबरों को जाकर बोले तो बोलने लगे आते आते उसके आते नहीं क्या नहीं. कुछ कम 35 साल का अरसा हुआ, 35 साल का अभी तक कौन सा भी एक भी मेम्बर आपको बनाया नहीं और रोड पूरी क्लियर करे सो नहीं. मेम्बर कौन कौन है? अब ये भाजपा के 3 मेंबर है, इससे पहले भंडारे थे उन्होंने भी नहीं करे, और बेरिया साहब की थे उन्होंने भी नहीं करे, और फाती मानिस थी उन्होंने भी नहीं कर ले, उन्होंने भी नहीं करे. क्रमांक 17 का वार्ड है, यहाँ कुछ गरीबों की समस्या नहीं होती. इलेक्शन कॉर्पोरेशन का इलेक्शन होकर 3 साल हो गया है, ये परेशान में लोग यहाँ जीते हैं. ये हालत देखो, कुछ लोगों के घरों में पानी जाता है, वहाँ कुछ और गरीब लोग हैं, उनकी समस्या तो कौन सुनता है? नगर सेवक देखे तो कोई आता नहीं. ये काम करने के बाद भी मच्छर ये होते ना, इसके कॉर्पोरेशन की दवा आती नहीं, ये मारते ऑर्डर मारते ना कुछ मारते. ये भाजपा सेना सत्ते में कॉर्पोरेशन में सिर्फ नीति खाते हैं और कुछ काम नहीं करते. एक MM की नगर सेवक है, उनका कुछ चलता नहीं. क्यों? सत्ते में नहीं है वो, न तो वो काम करने वाले चाहिए. नूतन गायकवाड़ बार बार इनके घरों को जाना, इनको बुलाना, बोलते देखेंगे काम नहीं आया, नीति नहीं हुई, पैसा नहीं आया, क्या करने का. इधर लोग साफ सफाई नहीं रखते, साफ सफाई हम रखने का, जनता रखने का. या गोरगरीब की समस्या देखो कैसी है, ऐसा जीते है गोरगरीब, आना जाना मुश्किल है, कुछ फायदे की नहीं है. सरकार भारत सरकार स्वच्छ भारत अभियान से बोझवारा उड़ाला अपन इतना मुर्गी आयावर पहतो. प्रत्येक वे पाउस आयावर इत पानी साचले अपन बगित है. यपूर्वीसुद्धा न्यूजला आणि कॉर्पोरेशनच्या अधिकाऱ्यांना भेटून आम्ही सांगितलेलं आहे, पण जोन अधिकारी भेटत नाहीत. जे अधिकारी भेटतात ते आज करू उद्या करू म्हणून टाळत असतात. हे पाणी आणि चिखल साचल्यामुळे लहान मुलांना विविध आजार होतात. आमच्याच घरात एका 6 महिन्याच्या बाळाला डेंग्यू झाला. महापालिकेचे काही कर्मचारी येतात, डेंग्यू आणि मलेरियाची साथ आहे, पाणी साचू देऊ नका घरात म्हणून सांगतात, पण हे साचलेलं पाणी कोण काढायचं? प्रत्येक वेळेस पाऊस आल्यावर 8-10 दिवस असंच असते. लोकांना, वृद्ध माणसांना, लहान मुलांना, बायकांना येणं जाण्याचा फार त्रास होत आहे. तरी हा चिखल काढण्याचा किंवा पाणी साचू न देण्याचा काही उपाय करावा लागेल. ब्रिजचं काम इथं नाल्याचं केलेलं आहे, पण तो पण अर्धवट आहे. अर्धी रोड तयार केली आणि ते निघून गेले, तरी रोड पूर्ण करून नाल्याचा आणि रोडचा आणि ह्या गटारीचा प्रश्न निकालात काढावा ही आमची विनंती आहे.